नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार सिंह और शिवदास एंड सन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके 10 ईयर जो कि सेमेस्टर 5 का है, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसमें से आज एक हम चैप्टर वर्किंग कैपिटल का स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। प्यारे बच्चों, जो एप्लीकेशन पे वीडियो डली है, ये इसका डालने का एक पर्पस है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली मान लेते हैं कि जब फाइनल ईयर में आते हो आप, सेकंड ईयर फाइनल ईयर में जैसे ही पहुंचते हो आप फाइनल ईयर में, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का मैंने देखा है कि प्रोस्पेक्टिव जॉब में चले जाते हैं। तो जब जॉब में चले जाते हो तो जॉब में जाने के बाद आपको टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप कोचिंग ले पाओ। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा शिवदास एंड सन्स का कि उन्होंने मुझे चूज़ किया और मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर पाऊँ कि आप अगर जॉब भी करते हो तो टेंशन छोड़ दो, 75 में से 75 मार्क्स आएंगे आपके अगर आप सारे वीडियो को कंटिन्यूसली देखते हो तो। मैं ये नहीं बोल रहा 74, अगर आप अच्छे से करोगे तो 75 भी आ सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस पास्ट 12 ईयर का, जो कि मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है, और उसके अंदर बच्चों के क्या क्या प्रॉब्लम है फाइनल ईयर के अंदर, वो सारी प्रॉब्लम मैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम थी जो मैंने देखा, उसको सॉल्यूशन बना के मैं आपके सामने लेके आऊंगा। आप जब इस चैप्टर को करेंगे तो डेफिनेटली आप खुद बोलेंगे और कमेंट वगैरह में भी लिखिएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आए नहीं आया। तो आपका देखो दो तीन चीजों है जो कि शिवदास एंड सस ने बहुत ही इनिशिएटिव एक स्टेप लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप घर बैठ के पढ़ सकते हो जब मन आए, यानी नाइट में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में आप इसको कर सकते हो। और सभी बुक के आपको जो क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपके चैप्टर वाइज, पेज वाइज, क्वेश्चंस वाइज आपको सॉल्यूशन मिलेगी। आपको देखने में दिक्कत नहीं होगा, आप सेल्फ करने भी बैठते हो, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए कर लोगे। और जिन बच्चों ने ट्यूशन ले भी रखा है उनके लिए भी मैं बात करूं तो बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप ट्यूशन ले रहे हो कोई बात नहीं, क्लासेस ले रहे हो कोई बात नहीं, जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हो तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको समझ नहीं आता, तो अब वो टेंशन आपकी भी खत्म हो गई। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल। चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल। चैप्टर के नाम के अंदर हमें सबसे पहले नेम के मीनिंग को समझना होगा वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो ये हमारे एग्जाम में 15 मार्क्स का आता है। अब जिन बच्चों के पास 10 ईयर नहीं है वो 10 ईयर के क्वेश्चन 10 ईयर ले सकते हैं और फिर उसमें से शॉर्ट आउट देख सकते हैं आप। और सारी वीडियो तो आपको एप्लीकेशन पे मिल ही जाएगी विद नोट्स के साथ। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आप मुझे सिंपल सा एक एक वर्ड देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। वर्किंग का मतलब क्या होता है? वर्किंग का मतलब होता है काम करना, है ना? अब काम करने से रिलेटेड क्या, बिजनेस को हम अच्छे तरीके से चला पाए। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, यानी काम करने के लिए जो पैसा हो। डिसीजन का मतलब है हमें कितना रखना चाहिए। रिक्वायरमेंट का मतलब भी सेम ही है लगभग, कि हमें कितना पैसा चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मीनिंग होता है कि जब कभी भी हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइज करते हैं तो हर एक बिजनेस में पर्टिकुलर हमें कितना पैसा लगेगा, डे टू डे एक्टिविटी रिक्वायरमेंट के लिए उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। डे टू डे एक्टिविटी रिक्वायरमेंट के लिए उसको वर्किंग कैपिटल कहेंगे, सिंपल। अब डे टू डे एक्टिविटी के लिए हमें क्या 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 रिक्वायरमेंट होता है, जैसे हमें लेबर को पेमेंट करना है, सामान खरीदना है, या सामान आपको जो बेचते हो वहां भी पैसा आपका फंसता है, इसके साथ आपके पास एनी टाइम कुछ अमाउंट कैश भी होना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये सारी चीजों में आपके पैसे लगते हैं। तो वर्किंग कैपिटल हमें कितना चाहिए, एक एस्टिमेशन बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे फर्दर प्लानिंग करते हैं। और वर्किंग कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली आप सब वर्किंग कैपिटल अगर हम देखें तो दो वर्किंग कैपिटल होता है हमारा। एक होता है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल,
ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और जो कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स को ही ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर? ये होता है हमारा करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाने कि वर्किंग कैपिटल निकालिए, तो आपको नेट वर्किंग कैपिटल ही निकालना पड़ता है, ग्रॉस नहीं निकालना पड़ता। ग्रॉस के लिए स्पेशली बोला जाएगा, नेट के लिए नहीं बोला जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के अंदर हम क्या सीखेंगे बेसिकली? पहले एक बार हम बेसिक बेसिक चीजें जान लेते हैं और मैक्सिमम पार्ट हम कवर करेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ना, लगभग लगभग रिपीटेड फॉर्म में आता ही रहता है ये 15 नंबर का क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इजी तो है ही है। खैर, हमें वर्किंग कैपिटल के मतलब है, पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल है क्या और हमें कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान से देखिए, सपोज करिए मेरे पास कैश है, कैश है मेरे पास 10 लाख, ठीक है। अगले दिन मैंने क्या करा, स्टॉक ले लिया, स्टॉक ले लिया 2 लाख का, तो मेरे पास कैश कितना बचा, हमारे पास 8 लाख, और स्टॉक कितने का बच गया, 2 लाख, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, स्टॉक के बाद मैंने स्टॉक बेसिकली अगर मैं बोलूं तो रॉ मटेरियल, स्टॉक बेसिकली मैं अगर बोलूं तो रॉ मटेरियल। अब मैंने कुछ सामान उधार माल बेच दिया तो मेरे पास से स्टॉक चला जाएगा, तो हमारे पास डेटर बन जाएगा, तो डेटर बन जाएगा सिंपली। आपके पास देखा जाए, उधार माल बेचोगे, कैश तो 8 लाख ही है, लेकिन हमारा स्टॉक 0 हो गया, डेटर मान लेते हैं 3 लाख हो गया। सर डेटर 3 लाख कैसे हुआ? डेटर जो 3 लाख हुआ, इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है, इसके अंदर क्या प्रॉफिट इंक्लूड है, 1 लाख रुपए सपोज करो। तो आपका देखो, सबसे पहले कैश था, कैश से आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल लेने में इसके बाद डेटर बना, डेटर WIP, बहुत सारे सिचुएशन है, हम अभी धीरे धीरे सारी चीजों को देखेंगे। तो हमारे जो कैश से रॉ मटेरियल तक जाने में, फिनिश गुड्स या डेटर तक जाने में एक टाइम लगता है, उस टाइम के लिए हमें पैसा, हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, वर्क करने के लिए। अब उस वर्क को करने के लिए जो पैसा हमारा ब्लॉक होगा, सिंपल उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। हमें कितने टाइम तक ब्लॉक होगा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं सिंपली बात, एक वर्ड में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप बताना कि आपको बिजनेस चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो वो कुछ पैसे कितना चाहिए? आपने बोला 1 लाख चाहिए, लेकिन 1 लाख से कितने दिनों का आपने कैसे 1 लाख रुपए निकाल लिया? कोई जवाब है कैसे 1 लाख रुपए निकाल लिया? तो आप बोलोगे सर 10 दिन बाद मेरे पास पैसे आ जाते हैं और 10 दिन बाद मैं दे दूंगा, तो 10 दिन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। यानी नंबर ऑफ डेज भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। आपको पैसा तो चाहिए, लेकिन जो पैसा चाहिए आपको उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि पैसे कितने दिन के लिए जरूरत है। अगर आपको दिन ही नहीं पता तो आप वर्किंग कैपिटल कभी फाइंड ही नहीं कर पाओगे। तो अगर वर्किंग कैपिटल की हम बात करें, तो वर्किंग कैपिटल के अंदर हमें दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, और वो दो चीजें क्या हैं, बहुत सिंपल तरीके से। और बेस्ट थिंग है कि आप अगर 10 ईयर लेते हो, 10 ईयर लेने के बाद आपको जरूरत भी नहीं पड़ती, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे, ठीक है सर? तो यानी हम इसमें दो पॉइंट सीखने वाले हैं, बिल्कुल दो पॉइंट सीखेंगे हम। एक सीखेंगे हम कि हमें दिन कितने चाहिए, यानी नंबर ऑफ डेज, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर हम इसे, मैं सिंपल बहुत ही साधारण वर्ड में बोलूं तो नंबर ऑफ डेज पता करना है आपको, कि आपको कितने दिन के लिए पैसा चाहिए, और दूसरा आपको अमाउंट पता करना है कि कितना अमाउंट चाहिए आपको। अगर सपोज करो आपने नंबर ऑफ डेज फाइंड कर लिया, तो अमाउंट तो इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना?
मैंने बोला कि मुझे 1 महीने के लिए कुछ वर्कर को पेमेंट में लेट दूंगा और 1 महीने बाद वर्कर को पेमेंट दूंगा, और मेरे पास 5 वर्कर है जिसके 10-10 हजार रुपए सैलरी है, और 1 महीने के लिए मुझे पैसे का इंतजाम करना है। 1 महीने कहीं से इनकी सैलरी दे दूंगा, अगले महीने से तो मैं लगातार दे दूंगा। तो आप मुझे जवाब दीजिए, मुझे कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए? हर एक महीने की सैलरी मैंने बोला 5 हजार रुपए है, हर एक महीने की एक वर्कर की सैलरी है 5 हजार, और मेरे पास 5 वर्कर है, और महीने का मतलब मैंने 30 दिन के लिए बात कही है आपसे, मंथ कहा है। तो मैंने कहा आप मुझे जवाब दीजिएगा, मैं देखूंगा अभी कमेंट में भी आपके जवाब के, जो भी वर्कर कितने हमारे पास 5, हर एक को कितना देना है 5 हजार। 1 महीने तक मेरे पास पैसा नहीं है, 1 महीने तक कहीं से पैसा आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा, अगले महीने से तो मेरे पैसे आने चालू ही हो जाएंगे। तो आप बताइए मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कोई बता सकता है? एक बच्चे ने जवाब भी दे दिया 25 हजार रुपए। बिल्कुल सही जवाब आपका, 25 हजार रुपए रिक्वायरमेंट होगा। आपने कैसे पता किया? बोला 1 महीने की सैलरी 5 वर्कर का मल्टीप्लाई करके 25 हजार। क्या ऐसा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जवाब दे सकते हो कि मुझे वर्कर को सैलरी देना है और हर वर्कर की सैलरी 5 हजार है, तो बताइए मुझे वर्कर को सैलरी, मेरे पास 5 वर्कर है और वर्कर को सैलरी देना है मुझे 5 हजार, 5 वर्कर और 5 हजार सैलरी देना है, बता सकते हैं वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है? कोई बच्चा बता सकता है? चलो 5 हजार से बोलते हो सर आप तो वही एग्जाम्पल ले रहे हो बार बार, चलो 30 हजार, 3 हजार ले लिया। अब बताइए कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताएं। वर्किंग कैपिटल सेजल ने जवाब दिया 15 हजार रुपए, एक बच्चे ने जवाब दिया 15, सभी ने लगभग जवाब दिया यहां पे 15 हजार रुपए। लेकिन जो जो बच्चे जवाब दे रहे हैं 15 हजार, क्या मैंने बताया मुझे 1 महीने की जरूरत है? अब मैं बता रहा हूं ना बाकी की बातें, मुझे 5 महीने की सैलरी का इंतजाम करना है, तो अब बताइए कितने रुपए चाहिए होंगे? 5 महीने की सैलरी का इंतजाम करना है तो अब बताइए कितने रुपए चाहिए होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, मैं देख रहा हूं आप सभी के कमेंट, फटाफट बताइए। 75,000, वेरी गुड, आपने जवाब दिया 75,000। तो आपको अगर टाइम ना बताऊं और मैं पैसा बता दूं तो तब भी आप नहीं निकाल पा रहे हो, यानी आपको दो चीजें जानना जरूरी है, एक तो नंबर ऑफ डेज या टाइम, मैं कह लूं टाइम पता होना चाहिए कितने टाइम का, तभी आप निकाल पाएंगे। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में पूछा था तो आपने 15 हजार झट से जवाब दिया जो कि गलत हो गया, जबकि सही जवाब आपने, जब मैंने 5 महीने बताया तो आपने 75 हजार रुपए बता दिए। ओके सर, ठीक है, अगर आपको टाइम पता चले तभी आप अमाउंट बता पाएंगे। सर ये चैप्टर में बहुत ज्यादा उलझा रहे हो आप पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो। टाइम अमाउंट, बिल्कुल अभी थोड़ी देर बस पेशेंस रखो, आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं फिर सारे क्वेश्चन देखना, आप खुद करके दिखाओगे। नंबर ऑफ डेज को ना मैं थोड़ा सा और, अब मैं बुकिस वर्ड लिख दूं, इसको मैं बोल सकता हूं ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या है सर? ऑपरेटिंग साइकिल अभी समझ में आ जाएगा बच्चे, अभी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना सर क्या है, सारी चीजें एक ही बार में पूछ लोगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं थक जाऊंगा। अमाउंट क्या है? अमाउंट को बुक के लैंग्वेज में बोलेंगे एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, WC लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड। अंदाजे से हमें एक अमाउंट भी पता करना पड़ेगा तभी हमारा काम बनने वाला है। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल, हमें नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल भी जानना है, और ये जानने के बाद हमारा ये काम बन पाएगा। यानी पहले हम इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे, फिर हम इस पॉइंट को देखेंगे। दोनों पॉइंट समझने के बाद आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, और बस आप 10 ईयर लेंगे, 10 ईयर से सॉल्व करेंगे तो वहां से भी आपके पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ कम हो जाएंगे, ठीक है? बाकी सभी जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं मैं बताता जाऊंगा, उसके सॉल्यूशन तो आप देखोगे ही देखोगे, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब साइकिल का मतलब पता है क्या होता है? बेसिकली ये कुछ इस तरीके से जो चीजें होती है ना, इसको हम बोलते हैं साइकिल, रिंग टाइप का एक साइकिल चलता है ये, ठीक है? इस तरीके से साइकिल। तो सर इसको ऑपरेटिंग साइकिल नंबर ऑफ डेज से कैसे निकाले जाए, अभी समझिए। देखिए सबसे पहले आप रॉ मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल
मैं रॉ मटेरियल को शॉर्ट फॉर्म में RM लिख रहा हूं, समझ जाना आप रॉ मटेरियल। एक हम फ्लो और एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं रॉ मटेरियल। अब बताइए, रॉ मटेरियल खरीदते ही बेच दोगे क्या आप? नहीं बेच सकते ना। आप अगर रॉ मटेरियल खरीदते हो, कुछ भी रॉ मटेरियल आपने खरीदा, तो सबसे पहले क्या करोगे उसको? आप उसको फैक्ट्री में मशीनरी में डालोगे। मशीनरी में डालोगे या नहीं डालोगे? बिल्कुल। फिर मशीनरी में डालने के बाद मशीनरी के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट होगा, इसके बाद फिनिश गुड्स बनेगा, यानी तैयार माल। ठीक है सर, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, और एक आपने बोला फैक्ट्री के अंदर डालेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्या होता है? चलिए इसको भी समझ लीजिए आप, इसको भी समझिए आप। जो हमारा स्टॉक होता है ना, ध्यान से समझिएगा, मैं इस साइड लिख रहा हूं, इसका पॉइंट नहीं है ये, मैं इसी से पॉइंट रिलेटेड है, ये तो बाद में करेंगे, ये बस मैंने हेडिंग डाल दिया है। जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक तीन कैटेगरी के होते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है और आपको पता भी होना चाहिए सर, तीन कैटेगरी के स्टॉक। बिल्कुल, एक होता है रॉ मटेरियल, हाँ जी सर, एक रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहा हूं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। मैं देखो बोल तो रहा ही हूं, आप जब नोट करेंगे तो पूरा वर्ड लिख लें, ठीक है ना? मेरे पास स्पेस कम होता है, तो कम स्पेस में मुझे अच्छे से कंटेंट को समझाना होता है, इस बात का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है फिनिश गुड्स, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं FG, और वीडियो को पूरा देखें आप, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी, अब सर रॉ मटेरियल, WIP और FG में क्या डिफरेंस है बताइए? सिंपल सी बात मैं करता हूं, आप सभी के घर में अगर देखो ध्यान से, तो आप सभी के घर में हर एक्टिविटी, मान लेते खाना बनाने का एक मैं बात करता हूं, सब्जी आप हर किसी के घर में बनता है, या हम किसी होटल की बात कर लेते हैं, एक छोले भटूरे वाले की बात करते हैं, छोले भटूरे तो आप सबने देखे होंगे दिल्ली के अंदर, तो हर किसी को छोले भटूरे पता ही रहता है कि किस तरीके से है। मैं सिर्फ छोले बनाऊंगा, भटूरे पे नजर मत रखना, बस सिर्फ छोले की एक्टिविटी बताऊंगा। छोले के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे मटर चाहिए, मटर मैं लाऊंगा, और मटर पता है बहुत टाइट होता है, मटर को ला के मैं भिगोऊंगा पानी में, ऐसा थोड़ी है कि मैंने आपको भटूरे दिए और चार दाने मटर के दे दिए, ले भाई खा ले तू, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मटर को भिगोऊंगा, तो मटर तो बिक नहीं सकता, तो वो कच्चा माल है, अभी तैयार नहीं हुआ, वो कच्चा माल है। मटर को मैंने भिगोया, भिगोने के बाद उसको मुझे बॉयल करना पड़ेगा, बॉयल करने के बाद उसे फ्राई करना पड़ेगा, फ्राई करने के अंदर सारे मसाले लगेंगे, गैस लगेगा, सारी चीजें, एक्टिविटी लगेगी। अब आपको छोले भटूरे खाने हैं, ध्यान रखना, भटूरे बन के तैयार हैं उसकी बात ना करें, छोले की बात करते हैं हम। छोले के अंदर मैं मटर लेके आया, ये रहा मेरा मटर, और ये मटर लेके आया बहुत सारा खरीद के, तो बताइए क्या इस मटर को खा सकते हैं आप? आप जवाब दीजिए, क्या मटर को खाएंगे भटूरे के साथ? नहीं खाएंगे, तो ये कच्चा माल है, कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए। अब आपने क्या करा, आपने सिंपली इस मटर को एक, आपने मान लेते हैं जार में, एक जार में इस मटर को डाल दिया। किसने डाला भाई इस जार में? किसने डाला बताओ? आपने डाला, यू ने डाला इस जार में, आपने यहां से यहां डाल दिया। इसके बाद नीचे आपने क्या करा, गैस भी जला दिया, गैस जलाने के बाद पकने लग गया। अब मटर बॉईल हो चुका है, आपने नमक वगैरह भी डाल दिया, क्या बताइए आपको मैं भटूरे के साथ उबले हुए मटर दे दूं तो आपको मजा आएगा खाने में, बताइए हाँ या ना बताइए। अगर मैं आपको भटूरे के साथ ये मटर दे दूं तो बताइए आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये बताइए, बस मुझे जवाब दीजिए। तो आप सभी का जवाब क्या आएगा? सर हम नहीं खाएंगे। क्यों भाई? सर अभी तो मसाले नहीं डाली, भी तो पका कहाँ है? बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन क्या यहां आपकी मेहनत लगी है? यस सर, मेहनत लगी है, हमने तो काम स्टार्ट कर दिया है, यानी आपकी मेहनत लग चुकी है, लेबर लग चुकी है इसके अंदर, इस बात का ध्यान रखें, आप लेबर हो, जो बनाता है वो लेबर होता है। क्या इसके अंदर हमारा रॉ मटेरियल लग चुका है? जी बिल्कुल, सारा रॉ मटेरियल लग गया है। क्या इसके अंदर खर्चे हुए हैं? खर्चे का मतलब ओवरहेड,
क्या खर्चे हुए हैं ना, ये गैस जल रहा है, मैंने नमक डाला, ये सारी चीजें डाली, तो ये क्या है, हमारे खर्चे हैं। तो अभी ये बन के तैयार नहीं हुआ, कितने देर में बन जाता है एक मटर, बताओ, अंदाजा बताओ, आप मुझे बताओ कमेंट में कितने देर में बन जाएगा, आधे घंटे, 1 घंटे, बताओ जल्दी, बताओ आप कितनी देर में बन जाएगा। नॉर्मली देखते हैं कितने बच्चों को पता है कितनी देर में बन जाएगा, बॉयज गर्ल्स सबको पता होगा यहाँ पे। तो अगर मैं मटर को बॉयल करूं, बॉयल करके बनाऊं, तो छोले बनाने में कितना टाइम लगेगा, मुझे टाइम चाहिए, बताइए जल्दी, कोई भी नहीं बता रहा, देखते हैं कौन कौन बताता है, किसी को नहीं बताना आता, सबको सिर्फ खाना आता है बस। ओ माय गॉड, हर किसी को बस खाना आता है, टाइम ड्यूरेशन किसी को पता ही नहीं। मैं बता देता हूं, आधे घंटे में बन जाएगा, मैक्स टू मैक्स आधे घंटे के अंदर बन जाएगा। हाँ जी, अब आधे घंटे के अंदर बन जाएगा, लेकिन बना तो नहीं है ना, तो इसे बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, अभी बनना बाकी है। तो ये भी मेरा मटीरियल है और ये भी मटीरियल है, लेकिन इस मटीरियल के अंदर जो रॉ मटीरियल था वो तो 100% लग गया, लेकिन उसके अलावा लेबर अभी पूरा नहीं लगा है, क्योंकि कुछ लेबर देखोगे उसे टाइम लगेगा, और ओवरहेड भी पूरा नहीं लगा क्योंकि अभी और टाइम लगना बाकी है। जब बन के तैयार हो जाएगा ना, तो उसे फिनिश गुड्स का नाम देंगे। तो हमारे स्टॉक 3 कैटेगरी के हैं, एक होता है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, और एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब अभी बनना बाकी है, अभी पकना बाकी है, और फिनिश गुड्स मतलब बन के तैयार। ये वाले जो फिनिश गुड्स है ना, ये जाएंगे आपके पास। तो मैं बात कर रहा था रॉ मटेरियल, यानी आपके रॉ मटेरियल से आप कहां ले जाते हो, WIP में। WIP से कहां ले जाते हो, फिनिश गुड्स में। क्या इसमें टाइम लगेगा? हाँ बिल्कुल, रॉ मटेरियल से WIP में जाने में हो सकता है 5 दिन लग जाए, हो सकता है बड़ी बड़ी मशीनरी, मान लेते हैं हम कार बना रहे हैं या फिर और कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल से WIP में जाने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, अब तो हाँ या ना बताओ, रॉ मटेरियल से WIP में जाने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, बताइए यस या नो, फटाफट से आप जवाब दे दें एक बार, देखते हैं कौन कौन बच्चा जवाब देता है। कुछ बच्चों का कहना है नहीं, कुछ बच्चों का कहना है हाँ। सेजल ने जवाब दिया यस, डेफिनेटली। मान लेते हैं यहां से लेके और यहां तक जाने में मेरे 10 दिन लगते हैं, ठीक है। अब बताइए क्या WIP से फिनिश गुड्स बनने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, मान लेते हैं यहां से यहां बनने में 15 दिन। अब बताइए, पहले ये मुझे समझाइए, ये समझ में आया कि रॉ मटेरियल से WIP बनने में 10 दिन लगे और WIP से FG बनने में 15 दिन लगे। WIP समझ आ रहा है ना आपको, WIP क्या है? तो WIP से FG बनने में कितने दिन लगे? 15 दिन लगे। अब बताओ फिनिश गुड्स क्या आपने बना ली और बिक गया, या उसमें भी टाइम लग सकता है बिकने में? जवाब दें, बिकने में टाइम लग सकता है या नहीं लग सकता? आप जवाब दें, जब हम फिनिश गुड्स बना लेते हैं तो उसको बिकने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, यस या नो, फटाफट जवाब दें, यस या नो, यस टाइम लगेगा। बिल्कुल, आयशा का भी जवाब आ गया, कपिल का भी जवाब आ गया, देखो कुछ बच्चे जवाब भी दे रहे हैं धड़ल्ले से, टाइम लगेगा। आप भी वर्चुअल वाले जवाब दें। तो जैसे ही टाइम लगेगा, मान लो यहां से जब हम डेटर पे जाएंगे यानी जब सेल्स करेंगे, तो सेल्स करने में डेफिनेटली टाइम लगेगा, और यहां से यहां का टाइम लगता है हमारा, मान लेते हैं 20 दिन का। यहां से यहां कितना टाइम लगेगा? 20 दिन। तो रॉ मटेरियल से WIP, WIP से आपका FG, FG से सेल्स, तो ये टोटल टाइम लग रहा है ना। एक ऐसा तो है नहीं कि हमने क्या करा, मटेरियल लिया और मटेरियल लेने के बाद हमारे कैश में कन्वर्ट हो गए, इसमें एक टाइम साइकिल लगता है पूरा, और वो टाइम कितना लगता है वही चीज सीखेंगे हम ऑपरेटिंग साइकिल में। तो ये पूरा घूमता रहेगा, फिर सेल्स होगा, सेल्स से फिर कैश आएगा, फिर रॉ मटेरियल, फिर WIP, FG, सेल्स, तो ये घूमता रहेगा। उसको मैं एक ग्राफ में भी समझा देता हूँ। तो वेरी सिंपल सा है हमारा कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल रॉ मटेरियल है, अभी आप खुद जवाब दे देंगे, देखते रहिए। रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से आपका क्या बनेगा, आप मुझे जवाब दीजिए। रॉ मटेरियल के बाद हम कौन से स्टेज पे जाएंगे, फटाफट जवाब चाहिए। रॉ मटेरियल के बाद कौन से स्टेज में जाएंगे? WIP, सबने जवाब दे दिया, यही तो मैं समझाना चाहता था, जो आप सबने जवाब दे दिया, WIP में जाएंगे।
और जैसे ही WIP से गए, फिर अगला स्टेज कौन सा होगा हमारा? WIP के बाद अगला स्टेज कौन सा होगा? WIP के बाद नेक्स्ट स्टेज बताइए कौन सा होगा? नेक्स्ट स्टेज WIP के बाद बताइए। FG फिनिश गुड, सेजल ने भी जवाब दे दिया, बिल्कुल सही। FG ये लीजिए, FG के बाद फिर अगेन पता है किसमें टाइम लगेगा हमारा? फिर हमारा बनेगा सेल्स, और सेल्स उधार कर दिया तो टेंशन है, उधार कर दिया तो टेंशन है, डेटर। तो अगला जो बनेगा ना हमारा वो डेटर बनेगा, उधार बेच दिया तो डेटर, नगद बेच दिया तो कैश सेल्स। इसके बाद डेटर से पैसे मिलेंगे फिर कैश, डेटर से पैसे मिलेंगे फिर से कैश, और फिर से हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, और फिर से क्या होगा, WIP FG ये सारा चलता रहेगा। अब मान लीजिए मैं बोलूं कि इन सब में कितना टाइम लगा, सिंपल अगर मैं रॉ मटेरियल से WIP की बात करूं 10 दिन, यहां से यहां की बात करते हैं 20 दिन, यहां से यहां की बात करते हैं 5 दिन, और डेटर से कैश कन्वर्ट होने में अगर मैं बताऊं तो मैं बोल देता हूं 10 दिन। तो बताइए आपने कैश से सबसे पहले क्या खरीदा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद WIP, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आपका FG, डेटर। तो वापस से आपके कैश को कन्वर्ट होने में कितना समय लग गया? तो सर हमने यहां तो रॉ मटेरियल खरीदा 10 दिन, 20 दिन, 5 दिन और 10 दिन। आप बताइए, मैं जवाब नहीं दूंगा, आप बताइए कि सेल्स, सेजल ने जवाब दिया सेल्स, ठीक है। आप मुझे बताइए कि पूरा मेरा एक बार कैश मैंने रॉ मटेरियल में डाला, और रॉ मटेरियल में डालने के बाद वापस से वो कैश बनने में कितना समय लगा? कोई बच्चा बता सकता है उसके बाद कितना समय लगेगा? कोई बता सकता है स्टूडेंट, बताइए फटाफट। सेजल ने जवाब दिया 45 दिन। चेक करते हैं भाई, 10, 20, 30, 5, 35 और 10, 45। वेरी वेरी गुड, जवाब दे दिया 45 दिन लगेंगे इसमें। अब मुझे बताइए, अब मुझे पता है एक बार कैश मैं किसी काम में लगा दूंगा तो वापसी कैश कितने दिन बाद मेरे पास रिटर्न आएगा, इसका जवाब दीजिए। एक बार कैश मैंने रॉ मटेरियल में लगा दिया तो वापसी कितने दिन बाद मेरे पास वो वापस कैश घूम के बनेगा, बताइए। कोई बता सकता है? आयशा ने जवाब दिया 45 दिन। वेरी गुड आयशा, यानी 45 दिन बाद वापसी घूम फिर के हमारे पास आ जाएगा। तो यानी मुझे पैसे की, अगर मैं स्टॉक 45 दिन बाद तो पैसे आ ही जाएंगे, तो मुझे अपने काम काज को करने के लिए पैसे कितने दिन के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो जवाब है सर 45 दिन के लिए। हाँ 45 दिन के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अब एक बात मुझे बताइए, एक बात बताइएगा मुझे, आप बताइए क्या रॉ मटेरियल जब हम खरीदेंगे तो क्या खरीदने में मुझे कुछ उधार टाइम देगा या नहीं देगा? जिससे उधार माल खरीदेंगे, जिससे हम खरीदेंगे, हमारा टोटल 45 दिन में कैश कन्वर्ट होता है, लेकिन जब उधार खरीदेंगे तो कुछ टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए फटाफट। कुछ टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, जल्दी बताइए आप। जब हम उधार माल खरीदेंगे तो उसमें कुछ टाइम मिलता है या नहीं मिलता, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। मिलेगा, सेजल ने बोला, वेरी ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। मैं उधार खरीदूंगा, बोलूंगा भाई 1 हफ्ते बाद तेरे पेमेंट दूंगा मैं। अब वही आपकी बात मान लेते हैं 1 हफ्ते वाली, तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो 10 दिन जो हमारा टाइम लग रहा है ना, हमें थोड़े से टाइम मान लेते हैं 7 दिन का मिल भी जाता है पीछे से कहीं से, जब उधार माल खरीदते हैं तो 7 डेज का टाइम मिल भी रहा है। तो अब बताइए 45 दिन कैश कन्वर्ट होने में लगेंगे और 7 दिन तो मुझे ऐसे रिलीफ मिल गया, तो मुझे नेट में कितने दिन का पैसे का इंतजाम करना है? मान लो रॉ मटेरियल मैं खरीद के लाया और 7 दिन का तो उधार ही मिल गया, तो मुझे 3 दिन बल मिल चाहिए यहां, और बाकी 20, 5, 10। तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा कोई सामान मुझे उधार नहीं देता तब तो मेरे 45 दिन लगेंगे, लेकिन अगर कोई उधार दे देता है तो वो मेरा बेनिफिट हो गया ना, तो अल्टीमेटली कितने दिन लगेंगे? सेजल का जवाब आ गया 38 दिन। वेरी गुड, तो आपने कैसे निकाला 38 दिन? 38 दिन देखो, पता है कुछ बच्चों ने जवाब दे भी दिया 38 दिन, कैसे निकाला? 45 में से आप 7 दिन को माइनस करिए सर, 15 में 7, 38, 38 दिन के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है ना।
तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, मैंने एक बेसिक सा ऑब्जर्वेशन दिया, अभी फिर से हम करेंगे, और कैसे डेज निकाले जाते हैं, अभी तो ये हमने समझा। मैंने एक बता दिया कि 10 दिन, बता दिया 20 दिन, लेकिन ये 10 दिन कैसे आया ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल होता है जब हमारा स्टॉक स्टार्ट होता है और वो कन्वर्ट होके WIP में, फिर कन्वर्ट होके FG में, फिर कन्वर्ट होके डेटर में, फिर कैश में, तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है, इसी को तो हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। अभी तक मुझे बताइए आपको यहां तक समझ में आया, आया तो एक बार ये ग्राफ नोट करिए, फिर हम इसके ऊपर कुछ और चर्चा करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पे। आज ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, कल वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, इतना आसान चैप्टर है बताओ। तो आप फटाफट से एक बार ये नोट करिए, फिर नोट करने के बाद जैसे डन हो जाए आप डन बता देना, मैं अगले पॉइंट पे चलूंगा इसे इरेज करके। चलिए अब हम क्या सीखेंगे, देखो जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें एक एक चीज क्लियर होना चाहिए कि हम क्या सीखने वाले हैं। हमें ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालना ये तो पता चल गया, अब इसके डेज को निकालना सीखेंगे। ओके सर, मैं इधर भी मिटा देता हूँ और इधर भी मिटा देता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए होगा। अब अगर मैं बोलूँ आपको ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकाला जाए, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, आपको करना पड़ेगा कन्वर्जन पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, यानी आपके रॉ मटेरियल में कितने दिन लगेंगे, इसमें जोड़ दोगे WIP में कितने दिन लगेंगे कन्वर्जन पीरियड, इसके बाद जोड़ दोगे FG में कितने दिन लगेंगे, जोड़ दोगे डेटर कन्वर्जन में कितने दिन लगेंगे, ये जोड़ दोगे, यानी आप इसको भी, और प्लस ये दिन की बात कर रहे हैं, डेज यहां पे डेज का काम है, अमाउंट नहीं है, टोटल इतने हमारे दिन लगेंगे, इसमें से लेस क्या कर देंगे, जो हमें क्रेडिटर से टाइम मिलेगा वो माइनस कर देंगे, ये यहां आ जाएगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड होता है बेसिकली, तो कन्वर्जन पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्जन पीरियड ऑफ WIP, आप कुछ भी बोल सकते हो इस तरीके से। तो ये हमारा एक बेसिकली किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए, अगर आप फॉर्मेट पूछोगे तो सिंपल सा फॉर्मेट है इस, आपका फॉर्मेट क्या आपको भी पता है, इस तरीके से निकालेंगे। आपसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइएगा आंसर। रॉ मटेरियल में 10 दिन लगेंगे, WIP में 15 दिन लगेंगे, FG में, आपका FG नहीं बताऊंगा मैं, डेटर में 20 दिन, क्रेडिटर हमें टाइम देगा 16 दिन, और FG के अंदर टाइम लगेंगे 25 दिन। बताइए ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, इसे बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग। साइकिल ठीक है, और ये होता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल और ये होता है नेट, ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल और ये है नेट। आप बताइए मेरा नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ये लो जवाब भी दे दिया, मैं तो यहां लिख ही रहा था, बच्चों ने जवाब भी दे दिया, जवाब दिया नेट आएगा हमारा 54, बिल्कुल सही। कैसे निकाला 54 ये भी देखिए, ये लाइन अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं हटा देता हूं। आपने क्या कहा सर, रॉ मटेरियल में 10 दिन, WIP में 15 दिन, डेटर में 20 दिन, क्रेडिटर आपको देगा पता है 25 दिन, और आपके डेटर 20 25 दिन। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आप इनको जोड़ दें, आपको जवाब मिल जाएगा, ओहो क्रेडिटर 16 दिन है, 25 दिन नहीं है, क्रेडिटर 16 दिन है, आप इन सभी को जोड़ दें आपको जवाब मिल जाएगा। कैसे जोड़ें, 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 20 माइनस 16, और बिल्कुल सही जवाब, 54 दिन जिन बच्चों ने निकाला था उनका सही जवाब, ठीक है ना। 54 दिन का मतलब 54 डेज, कुछ बच्चे बोलते हैं हिंदी में समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं बच्चे, मैंने इंग्लिश में भी बोल दिया, आपने ये क्वेश्चन निकालने में कामयाब हो गए। ओके सर, सर आप हम क्या सीखेंगे, सर आप मुझे बता दें कि ये रॉ मटेरियल कन्वर्जन कैसे निकाला जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला क्या सिंपल सी बात है, कितना टाइम लगता है वो निकालेंगे, मैं आपसे ही फॉर्मूला बनवा लेता हूं, छोड़िए इसको लिखने लिखाने की बात, आपसे ही पूछ लेता हूं मैं आप मुझे जवाब देना, आप
आपको एक, मैं 1 महीने का या 1 साल का पूछ लेता हूं। चलो, 1 साल में आप जो रॉ मटेरियल खरीदते हो ना, 1 साल में आप रॉ मटेरियल खरीदते हो 60,000 रुपए का, 1 साल में 60,000 की खरीदारी करते हो, और हर महीने आप खरीदने जाते हो, एवरेजली आप एवरेजली जो खरीदते हो, एवरेजली वो एवरेजली आप खरीदते हो, मान लेते हैं एवरेजली है 6,000 दिन, एवरेजली है 6,000 दिन, 60,000 आपका टोटल है और एवरेजली है आपका 6,000 दिन, और साल में पता है कितने दिन होते हैं, डेज होते हैं 360। तो आपसे मैंने पूछा, बताओ रॉ मटेरियल कन्वर्जन कैसे निकाला जाएगा, कैसे टाइम निकालेंगे? तो वेरी सिंपल, आपको चाहिए हमेशा 6,000, तो 6,000 आपको रिक्वायरमेंट ही है हमेशा, एवरेज का मतलब इतना तो दुकान में हो ही। अच्छा, और अगर इतने दुकान में होंगे ही होंगे, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, डे 360 है, रॉ मटेरियल कितना, 60,000, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6,000 चाहिए ही चाहिए 60,000 में से, और कितने दिन में, 365 दिन में। तो आपका ये एक टाइम निकल आएगा, एक टाइम निकल आएगा, जो टाइम निकलेगा हमारा कितना निकलेगा, 6,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू में 365, ये आ गया 36, 36.5 दिन, यानी ओवरऑल माने तो 37 दिन। तो ये हो गया रॉ मटेरियल का टाइम। ऐसे आपको समझ नहीं आया, चलो एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, चलो इसी को और मैं इलेबरेट कर देता हूं, ठीक है ना, आपको डेली का चाहिए 6,000 एवरेजली, और आपको ये कितने दिन चाहिए होगा स्टॉक, 365 दिन। अगर डेली का 6,000 चाहिए तो कितने दिन, अगर 360 दिन साल में मानते हो तो 360 दिन, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पूरे साल में कितने की रिक्वायरमेंट है, तो 6,000 इंटू में 360, यानी आपका आ जाएगा 2,16,000, और एनुअल डिमांड देखा जाए तो आपका 60,000 है। तो सिंपली आपने निकाल लिया ना, डिवाइडेड बाय 60,000 कर दिया आपने, फिर से 36 दिन यानी 37 दिन जो भी आ रहा है हमारा, 365 दिन के हिसाब से आ जाएगा। तो हमें करना क्या होता है, बड़ा ही सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते इसको हम, बहुत सिंपल है। अगर आपको रॉ मटेरियल का टाइम जानना हो ना, रॉ मटेरियल का मैं यहां लिखता जाता हूं हर किसी का, रॉ मटेरियल का, तो निकालते हैं हम एवरेज, एवरेज एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना कंज्यूम होगा इनटू में, आपके एग्जामिनर जो है या तो 360 डेज या 365 डेज, कुछ भी बता सकता है, जो बताएगा हमें वो फॉलो करना है, इससे निकल जाएगा डेज। अगर WIP का हम जाने तो WIP का कैसे निकालेंगे, एवरेज WIP, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि WIP का मतलब क्या होता है, सामान बन के तैयार हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी ये भी समझेंगे सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाला जाए, इनटू में 360 या फिर 365, WIP के बाद FG, FG का कैसे निकालेंगे, एवरेज स्टॉक ऑफ FG डिवाइडेड बाय, FG पता है कैसे बनता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू में 360 या 365 एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, इससे भी डेज आ जाएगा। FG के बाद डेटर की बात करते हैं, सर डेटर कैसे बनेगा, एवरेज डेटर, हर किसी में एवरेज तो आएगा ही ऊपर कि एवरेज डेली बेसिस पे कितना चाहिए, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर के बाद अगर हम इसे डिवाइड करें तो डिवाइड होगा क्रेडिट, डेटर किससे बनता है हमारा, क्रेडिट सेल्स इनटू में 365 या 360 एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चंस। ओके सर, सर क्या क्रेडिटर का भी होगा, हाँ क्रेडिटर का भी होगा, बिल्कुल क्रेडिटर का, अगर डेज निकालना हो, क्रेडिटर कन्वर्जन या पेमेंट पीरियड होता है, डेफरल पीरियड भी बोलते हैं इसे हम, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, आपका एवरेज क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय, अब क्रेडिटर कैसे बनता है बताओ, क्रेडिटर बनेगा आपका, आपका क्रेडिटर बनेगा क्रेडिट, क्रेडिट
क्रेडिट परचेज, इनटू में वही 360 या 365, शायद ये साइड वाला विजुअल ना हो आपको, मैंने बता दिया, आप समझ जाइए उसको। हाँ जी सर, इतना तो समझ में आ गया। यानी इन सब से पता है क्या निकालोगे, नंबर ऑफ डेज। अब इसके कुछ और कंपोनेंट्स में नजर डालते हैं सर। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलता है, इन बातों को भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जामिनर अलग अलग पैतरे से कंफ्यूज कर सकता है। तो मैं पहले निकाल लू रॉ मटेरियल कंज्यूम, या मैं एक काम करता हूं, इधर विजुअल है, इतना स्पेस है, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। रॉ मटेरियल आरएमसी कर देता हूं, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये होगा ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ध्यान रखिएगा। अब सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, ओहो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात आपने पूछ लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि जो बच्चे अभी क्लास देख रहे होंगे उन्होंने कॉस्टिंग के कॉस्ट शीट कर लिया होगा, तो उन्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अंदाजा होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सुना भी नाम नहीं होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो उनके लिए नई चीज है, तो मैं उनके लिए लिख देता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है कैसे निकलता है, आपका प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इसमें ऐड कर देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट यानी फैक्ट्री ओवरहेड, और या तो मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो माल को बनाने का खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, बनाने का खर्चा। तो जितने भी खर्चे हैं ना सेलिंग एडमिन ऑफिस के छोड़ के, तो मैं लिख देता हूं यहां सिंपल ऑल एक्सपेंस एक्सेप्ट ऑफिस एक्सपेंस, यानी सिंपली बताऊं मैं तो आप सभी को, देखो ट्रेडिंग अकाउंट तो याद ही होगा, मैं थोड़ा फाइनेंस से सोच लेता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी आपके खर्चे होते थे ना, ओपनिंग क्लोजिंग सारी चीजें करके, जितना भी आपका यहां लिखा जाता था ना खर्चे, परचेज प्लस में आपका ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो सारा का सारा आपका क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होता है, और 99% आपको एग्जाम में गिवन होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखिए COGS भी बोलते हैं इसे, बहुत पॉपुलर नेम है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG माइनस होता है बेसिकली, प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के क्रेडिट सेल्स कैसे निकलता है, यू नो वेरी वेल, और क्रेडिट परचेज कैसे निकलता है, सिंपल है, टोटल परचेज में से कैश सेल्स माइनस करने के बाद, या टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करने के बाद क्रेडिट बचेगा, ठीक है। सर इस पे एक क्वेश्चन हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा हमें करने में, ठीक है बच्चे, मैं इस पे एक क्वेश्चन करता हूँ और उसके बाद पहले आप ये फटाफट से बहुत धड़ल्ले से और बहुत फास्ट फास्ट नोट करिए, तब हम ऑपरेटिंग साइकिल पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं लिखूंगा अभी। पहले इसे आप फटाफट से नोट कर लीजिए, इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी नोट करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करें। ठीक है, चलिए इसको मिटाते पहले। ऑपरेटिंग साइकिल में आपके तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर वन, नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर दो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर थ्री वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से, और तीनों ही आसान है।
वेरी वेरी सिंपल, बहुत बहुत आसान। हमने यहां पे नेटवर्क ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालना है ये तो समझ लिया। जो आपने निकाला था ना नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल जो आपने बताया था, सपोज करो आपने बताया मुझे 36 डेज, इसका मतलब आपको 36 दिन के लिए पैसे चाहिए। आपको 36 दिन के लिए पैसे अगर चाहिए तो साल में कितनी बार ऐसे आपको पैसे चाहिए, तो उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अगर मैं कहूं कि आपको 36 दिन के लिए पैसे चाहिए और साल में 360 दिन है, तो आपको साल में कितनी बार पैसे चाहिए होंगे, कोई जवाब दे सकता है बच्चा? 36 दिन के लिए आपको पैसे ब्लॉक होंगे आपके, जो पैसे होल्ड होंगे। साल में 360 दिन है तो कितनी बार आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, कोई बता सकता है? ये लो आयशा ने जवाब दे दिया, सर 10 बार होगा। आयशा का कहना है सर विथ चैप्टर, आयशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और आप 10 ईयर में देखेंगे तो इजीली मिल जाएगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा, अभी बस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दे। सेजल ने जवाब दे दिया 10 दिन। ये लो बच्चे तो बड़े होशियार हो गए। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल होगा हमारा 360 या फिर 365 डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी आपने जवाब दिया सर 360 डिवाइडेड बाय 36, यानी 10 बार चाहिए आपको। और मैं अगर आपको कहूं कि साल में आपने 10 लाख रुपए का खर्चा किया है, 10 लाख का, और आपको 10 बार पैसे चाहिए साल में, तो एक बार में कितना पैसा चाहिए बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने कहा साल में 10 टाइम, 10 टाइम आपको पैसे की जरूरत होती है, 36 दिन, फिर अगले 36 दिन, फिर अगले 36 दिन, और पूरे साल में आपको 10 लाख की जरूरत थी। और 10 लाख एक बार में नहीं चाहिए, 10 टुकड़ों में चाहिए, तो आप बताइए कितने रुपए एक बार में चाहिए, कोई बता सकता है? ये लो सेजल ने जवाब दे दिया 1 लाख। और किसी ने जवाब दिया क्या? आयशा ने भी जवाब दे दिया, दो बच्चे जवाब दे रहे हैं फटाफट से, बिल्कुल सही। और बाकी वर्चुअल क्लास वाले जो देख रहे हैं उन्होंने जवाब दिया यस, उन्होंने भी जवाब दे दिया। तो वर्किंग कैपिटल पता है कैसे निकाले जाते हैं? दो वे हैं वर्किंग कैपिटल का निकालने का, एक मैं सबसे फर्स्ट बता रहा हूं, दूसरा जब क्वेश्चन होगा तभी मैं बता पाऊंगा। वर्किंग कैपिटल निकाला जा सकता है हमारा टोटल टोटल कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल, तभी तो बताया आपने कॉस्ट 10 लाख का है और आपने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितना निकाला, 10, तो 1 लाख रुपए ऐसे निकाला है आपने, तो सिंपल ये निकल गया। अब इस फॉर्मूले को भी नोट करिए, फिर आगे काम आएगा हमारा, ठीक है ना? आज ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे हम जल्दी जल्दी। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल भी पता चल गया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक और तरीका है वो भी देख लेंगे, ऐसे पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स जितना हमारा साल का टोटल खर्चा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, और ये तो अभी हमने सीखा ही सीखा था, इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे सीधा। फटाफट नोट करिए, इसके बाद सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, नोटेड। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, मैं यहां से मिटा देता हूं। अभी हम फर्स्ट पार्ट इसका कवर करने जा रहे हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। इसे लिख लें क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं या क्वेश्चन पूछूं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो लिखने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हमें पूरा चैप्टर बड़े अच्छे से आता है, कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले हम जवाब दे सकते हैं। और कई बार तो एग्जाम में ऐसा भी महसूस होगा कि एग्जामिनर ने क्या बच्चों वाले सवाल पूछ लिए, इतने छोटे छोटे आसान आसान से क्वेश्चन पूछ लिए हैं।
तो चलिए मैं आपके टेनियर से कुछ क्वेश्चंस उठाता हूँ, और जिन बच्चों के पास नहीं है मैं उसको सेंड कर दूंगा, मतलब कि जिन बच्चों के पास नहीं है उसको मैं क्लास के बाद बता दूंगा कि कैसे करना है, कहाँ से मिलेगा। आप टेनियर बाय कर लेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा ये क्वेश्चन। और शिवदास के अंदर एक खास बात ये है कि जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं ना, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, जो बच्चे आप बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी आपके बुक्स भी हैं, बुक्स से भी करेंगे हम। मिल जाओ क्वेश्चन, मिल जाओ। मिल गया, मिल गया और मिलने वाला है। ये लीजिए। आपके बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 14, मतलब के 10 ईयर में क्वेश्चन नंबर 14 है जिन बच्चों के पास है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। मैं हालांकि अभी क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। एक कहता है हमारा सेल्स जो है वो 80,000 का है। सेल्स हमारा वो 80,000 का है। सेल्स के बाद COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS 56,000 का है। कहता है इन्वेंट्री ओपनिंग, यानी आपका स्टॉक जो है, अब स्टॉक किसका होगा, ये इन्वेंट्री ओपनिंग दे रखा है और ओपनिंग स्टॉक वो दे रखा है आपको 9,000, और सेम क्लोजिंग भी दे रखा है आपको 12,000। ये एवरेज निकालने के काम आएगा, लेकिन सर है किसका ये बता देते हैं अभी हम, जब कुछ ना बोला हो तो एफजी का ही होता है। कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, अगर 365 दिन साल में हो, अगर ईयर में हमारे कितने दिन हो, 365 डेज, तो कितना टाइम लगेगा लेंथ ऑपरेटिंग साइकिल में क्या होगा। आपको एक और भी पॉइंट दे रखा है, अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब डेटर, तो डेटर कौन सा है हमारे पास, ओपनिंग डेटर गिवन है और ये गिवन है 12,000, और हमें एक क्लोजिंग डेटर गिवन है। पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया आप तो मैंने, वो है 16,000। और अकाउंट पेबल इसका मतलब क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर भी गिवन है, वो गिवन है 7,000, और क्लोजिंग क्रेडिटर भी गिवन है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ आपको दे रखा है एवरेज निकालने के लिए। तो क्या लेंथ होगा हमें ये बताना है एग्जामिनर को कि कितने लेंथ होने वाले हैं, उसके हिसाब से हम करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन अगर आपने नोट करना है तो पहले नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि कितने कितने लेंथ की बात करी जा रही है। ठीक है, करें सॉल्यूशन इसका। हाँ जी, हाँ जी सर, करें सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए रॉ मटेरियल का था, रॉ मटेरियल का तो कोई चर्चा ही नहीं है कन्वर्जन पीरियड में, तो कंपनी का रॉ मटेरियल नहीं होगा। उसके बाद WIP था हमारा, WIP का क्वेश्चन में कोई डिस्कशन ही नहीं है, वो भी नहीं है। इसके बाद FG, FG के रिलेटेड हमें क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो FG का हम कैसे निकालते हैं टाइम, FG का टाइम जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है एवरेज, एवरेज स्टॉक वो भी FG का, डिवाइडेड बाय COGS। क्वेश्चन ने 365 बोला है तो हम 365 लेंगे। तो एवरेज स्टॉक अगर मैं आपसे पूछूं तो एवरेज स्टॉक क्या होगा, ये रहा हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग, तो 9,000 12,000 ये हो जाता है हमारा एवरेज स्टॉक, और डिवाइडेड बाय COGS। तो COGS तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है 56,000। एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं कैलकुलेटर पे, एवरेज स्टॉक है 9,000 प्लस में 12,000 डिवाइडेड बाय 2। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, मैं बता देता हूं। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। किसी का भी एवरेज इसी तरीके से निकलता है, ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2।
तो 10,500 इंटू में 365, तो इसका आंसर क्या आ गया, डिवाइड 56,000 इंटू 365, तो ये आ गया 68.4। तो मैं इसका अगर टाइम फैक्टर लूँ यहाँ पे 68.4 आया है। तो आप पॉइंट को इग्नोर भी कर सकते हैं, 0.4 आया तो मैं इसको 68 ही ले लेता हूँ। ये लो 68 ले लिया, इसमें 68 का टाइम लग गया। रॉ मटेरियल का जीरो है नहीं, इसका भी है नहीं। अब हमें किसका चाहिए, डेटर। डेटर को अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं। डेटर के लिए क्या क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए एवरेज, एवरेज डेटर, बिल्कुल सही। डिवाइडेड बाय क्या चाहिए, क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स इनटू में 365। एवरेज डेटर कैसे निकालेंगे, ये रहा हमारे पास डेटर, तो 12,000 प्लस 16,000 और डिवाइडेड बाय 2, सबका एवरेज ऐसे ही निकलता है 14,000, 14,000। और डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है, तो अज्यूम, और ये अजम्पशन नोट में भी देना है कि हमने अज्यूम किया है कि जो हमारा सेल है ना वो सारा क्रेडिट है, और क्रेडिट सेल्स कितने का है, 80,000 इंटू में 365। देखते हैं यहाँ कितना आता है, इंटू में 365, लो जी 63, 63.87, तो 64 ले लेते हैं। ये आ गया हमारा ग्रॉस, यानी 68 प्लस 64, 132 दिन। लेकिन माइनस क्या करेंगे हम इसमें से, क्रेडिटर वाला माइनस करेंगे, क्रेडिटर माइनस करेंगे, क्रेडिटर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मैंने यहां फॉर्मूला लिखा आपके सामने, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। COGS आपको दे रखा है 56,000, ओपनिंग स्टॉक आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारा, ओपनिंग स्टॉक है हमारा, क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह है ही नहीं ना, तो यही ओपनिंग स्टॉक लेना पड़ेगा 9,000। परचेज नहीं पता एक्स, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,000। क्या एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जी सर एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, बच्चों ने तो बता भी दिया कुछ कुछ आंसर, तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 56,000 प्लस 12,000 माइनस 9,000, ये आएगा 59,000। तो 59,000 क्या है हमारा, व्हाट, परचेज, परचेज। सर परचेज क्यों निकाला, क्योंकि अगले फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट होगी हमें। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, यहां पे कर लेते हैं। क्रेडिटर का टाइम, क्रेडिटर का टाइम होता है एवरेज क्रेडिटर, या अकाउंट पेबल भी बोलते हैं हम, डिवाइडेड बाय क्रेडिट। अब पता चला क्यों लिया, और ये परचेज सारा का सारा हम क्रेडिट मान लेंगे। तो सर जवाब तो वेरी सिंपल है, 10 और 17, 10 और 17, 17,000 डिवाइडेड बाय 2, 85 डिवाइडेड बाय 59, 100 है ये, 59 इंटू में 365, इसका डेज देख लेते हैं, ये आ गया 52, 52.5। तो 52.5 अप्रॉक्स है, तो मैं 53 मान लेता हूँ, तो 53 या 52 साइकिल निकल के आ गया, 132 माइनस में 53, 79 डेज, पहला आंसर डन, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 14। चेक करिए फटाफट, किसी को कोई डाउट, फिर अगले क्वेश्चन पे चले हम, एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन करेंगे अभी हम, सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल के। आयशा ने 10,500 एवरेज स्टॉक भी बता दिया था अभी मुझे, जल्दी जल्दी नोट करिए।
सीजल का डन, और भी बच्चे जिनका है वो फटाफट नोट करें। ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके ही टेन ईयर का। बेसिकली वर्किंग कैपिटल ना आप कहीं भी ढूंढोगे तो चार पांच चैप्टर को मिला के बनाया हुआ है, लेकिन हम इसमें से पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में 2 साल का आपको निकालना है ऑपरेटिंग साइकिल। अलग अलग ईयर दे रखा है और अलग अलग डेटा, तो 2 साल का दे दिया तो क्या हुआ? एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका आपके लिए तो सिंपल हो गया दो क्वेश्चन के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15, आपको एक ईयर वन और ईयर टू रॉ मटेरियल, अगर आपको रॉ मटेरियल देता है तो समझ लीजिए आपका एवरेज है ये 20,000 और 27,000। WIP भी दे दिया तो ये भी एवरेज है, कुछ ना बोला जाए तो एवरेज मानना है। हाँ जी बिल्कुल, एवरेज मानना है। FG FG 21,000 और 24,000, FG के बाद परचेज, और परचेज कुछ ना बोले तो सारा क्रेडिट मानना है 96,000 और 1,35,000। 1,35,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS 140, 140, ओहो 140 इधर है, 180। पूरा क्वेश्चन नोट करना पड़ रहा है। सेल्स सेल्स इज 160 एंड यहां पे 2 लाख। इसके बाद डेटर 32,000, डेटर 32,000 और 50,000, 50,000। लास्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर 16,000 और यहाँ 18,000। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ईच 2 ईयर एंड कमेंट इंक्रीज और डिक्रीज। और दोनों साल का निकाल के बताइए कि हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो बढ़ गया या घट गया, ये भी बताना है। मान लेते हैं इस साल में 50 आ रहा था, इस साल में 60 तो बढ़ गया, इस साल में 50 आ रहा था, इस साल में 30 तो घट गया, ऐसे बताना है। और अज्यूम आपको साल में जो दिन मानने हैं ना वो दिन 360 मानने हैं, जो डेज आपको अज्यूम्शन लेना है वो लेना है 360 डेज, 360 डेज करेक्ट। चलिए सॉल्यूशन, ईयर वन पहले मैं ईयर वन का कर देता हूं। ईयर वन, ईयर वन का यहीं पे मैं सॉल्यूशन करूंगा। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर्मूला आप सभी को याद है, मैं बार बार फॉर्मूला लिख के टाइम नहीं खराब करना चाहता।
मैं इधर लिख देता हूँ, रॉ मटेरियल इज इक्वल टू एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय आरएमसी रॉ मटेरियल कंज्यूम इनटू में 360। ऐसे WIP का आ जाएगा, WIP इज इक्वल टू एवरेज WIP डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन इनटू में 360। और बाकी रजिस्टर में तो नोट कर ही रखा है आपने, और होपफुली आपको ये दिखेगा भी नहीं। ठीक है, साइड में जा रहा, मुझे जगह चाहिए। ठीक है, आप मेरा सपोर्ट साथ के साथ आप देखते जाएं। रॉ मटेरियल के अंदर चाहिए मुझे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले परचेज जो होता है ना, ये रॉ मटेरियल ही होता है। जो परचेज होता है ये रॉ मटेरियल। वॉइस क्लियर है हर किसी को? शायद किसी बच्चे का कॉल भी आ रहा है, बताइए वॉइस आ रही है ना आप सभी को, एक बार बता दीजिए यस और नो। यस, ठीक है ठीक है। तो चलिए, रॉ मटेरियल क्या है? परचेज। रॉ मटेरियल यानी रॉ मटेरियल कंजम्पशन या परचेज बात एक ही है। तो एवरेज इसके अंदर क्या है रॉ मटेरियल का? 2000 डिवाइडेड बाय परचेज कितना है? 96,000। सर परचेज भी आता है? बिल्कुल हाँ, आपका जरूरी नहीं है यही हो, रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका परचेज भी लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है इसमें? और कुछ तो नहीं दे रखा, एक बार देख लेते हैं, क्या पता रॉ मटेरियल कंज्यूम भी मिल जाए हमें क्वेश्चन में। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में, रॉ मटेरियल पर कंज्यूम नहीं दे रखा तो यही मानेंगे। इनटू में 360, आपकी आपका काम है यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना। इसके बाद WIP, अब आपने करना है। WIP में क्या लेंगे? कोई बच्चा सेकेंड ईयर का निकाल के फटाफट चेक करें। 14,000 WIP में चाहिए। COGS नहीं, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढना है कि कितने यूनिट हमने प्रोडक्शन किया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शायद हमें क्वेश्चन में दे रखा हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दे रखा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं देगा तो क्या ले? तो COGS ले सकते हैं। तो यानी अभी मैं नोट लिखूंगा इसके बारे में, COGS 1,40,000 इनटू में 360। सर ये सब तो बताए नहीं, अब क्वेश्चन करते जाएंगे पता चलता जाएगा। इसके बाद क्या है FG के लिए? FG का 21,000 डिवाइडेड बाय FG के लिए क्या होगा? फिनिश गुड्स के लिए COGS। सर इसके लिए भी यही? बिल्कुल हाँ, अभी मैं लिख दूंगा। इसके बाद क्या आएगा? डेटर। डेटर के लिए एवरेज डेटर दे रखा है क्या? बिल्कुल, देखिए डेटर दे रखा है, ये एवरेज ही है। 32,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स दे रखा है 160। ये देखो 15 नंबर का क्वेश्चन मेरे हिसाब से जायज नहीं है, एग्जामिनर नाइंसाफी बच्चों के साथ कर रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन देके। थोड़ा तो वेट दे इसमें। टोटल निकालिए, किसी ने कुछ बताया है? अभी तक तो कैलकुलेट कर रहे हैं शायद बच्चे, मैं निकाल लेता हूँ फटाफट से। ओके, तो 20,000, 20,000 है ये, 20,000 डिवाइडेड बाई 96,000 इंटू में 360, ये आ गया 75 days। इसके बाद 14,000 डिवाइडेड बाई 140 इंटू में 360, ये आ गया 36 days। 21,000 डिवाइडेड बाई 140 इंटू में 360, ये आ गया 54 days। 32,000 डिवाइडेड बाई 160 इंटू में 360, ये आ गया 72 days। तो ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन का आ गया? ऑपरेटिंग अगर देखा जाए 75, 36, 54, 72, ये आ गया हमारा 237। माइनस में क्रेडिटर, कैसे निकालेंगे क्रेडिटर? क्रेडिटर के लिए हमें क्रेडिटर दे रखा है 16,000, 16,000 डिवाइडेड बाय परचेज। इसके लिए भी सर परचेज, हाँ जी हाँ, 360। तो ये आएगा 16,000 डिवाइडेड बाय 16,000 डिवाइडेड बाय 96,000 इंटू में 360, ये आ गया 60 days। नाउ 237 माइनस माइनस 60 days, 177 days नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ये आ गया। भाई ईयर टू का बताइए फटाफट, कौन बच्चा बताएगा ईयर टू का? ईयर टू का
फिर से ईयर टू का फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम। तो ईयर टू का मैं यहीं इसी के सामने करता हूँ, रॉ मटेरियल आएगा पहले। तो आप इसका कैलकुलेशन बता देना प्लीज, मैं थक गया हूँ कैलकुलेशन कर करके। आप अपना हाथ चलाइए। डिवाइडेड बाय क्या होगा, परचेज, परचेज कितना है, 135 इंटू में 360। इसके बाद डब्ल्यू आई पी, डब्ल्यू आई पी कितना है हमारा, 18,000। डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारा 18,000 के बाद। डब्ल्यू आई पी के लिए सी ओ जी एस यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम, इंटू में 360। डब्ल्यू आई के बाद एफ जी, एफ जी का कितना है हमारा, 24,000। डिवाइडेड बाय सी ओ जी एस आएगा इसमें भी, एफ जी में भी सी ओ जी एस आएगा, हाँ जी हाँ जी, इंटू में 360। एफ जी के बाद डेटर, डेटर कितने का है हमारा, डेटर है जी यहाँ 50,000 का। डिवाइड किससे करेंगे, डेटर में सेल्स से, सेल्स 2 लाख, इंटू में 360। और ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, इसके बाद माइनस कर देंगे हम क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का है जी, क्रेडिटर है जी 18,000। डिवाइडेड बाय क्या करें हम, क्रेडिट परचेज यहाँ भी 135, इंटू में 360। अब मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, जल्दी जल्दी जवाब बताइए नेट में करके। जवाब आ गया, एफ एम डब्ल्यू आई पी 36, एफ जी 48। कपिल आपने ये एफ एम क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आया। और इधर से जवाब आ गया, अच्छा रॉ मटेरियल 72, ये 72 निकला है। इसके बाद रॉ मटेरियल के बाद डब्ल्यू आई पी 36, और इसके बाद 36 के बाद 48 दिन आ गया हमारा एफ जी का। देखिए आप ही ने निकाला ये। डेटर का कितना आया, 90 डेज। टोटल कर देता हूँ मैं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए। टोटल 72, 36, 48, 90, 246। और क्रेडिटर का, क्रेडिटर का चलिए अड़तालीस। नाउ माइनस 246 माइनस 48, 198। तो सर आप बताइए मेरा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, पहले 177 था, 198 है, तो इन केस, दिस केस में क्या हो गया, इंक्रीज। इंक्रीज कितने, 198 माइनस में 177। एक दो दिन का फर्क भी आ सकता है तो चिंता ना करें, ये इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन नंबर था 15, इसको भी नोट कर ले, काफी बच्चों ने जवाब दे दिया है हालांकि इसका। ठीक है, 48 डेज। कपिल ने भी जवाब दे दिया, इंक्रीज होगा, नोट करिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सौरभ ने कह दिया डन।
सभी ने नोट कर लिया है। कुछ बच्चों का क्वेरी है, क्वेश्चन कैसे मिलेगा, तो हम बाद में बात कर लेते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन आपके सामने लिखा जा रहा है फिलहाल, तो आपको चिंता होनी नहीं चाहिए। बाकी आप 10 ईयर लोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, 10 ईयर के अंदर सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अभी तक हम एक ही पार्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल किसी क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं। अगर यहां पे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पूछता तो मैं 360 डिवाइडेड बाय 177 कर देता। अभी करेंगे हम 10 ईयर के पिछले साल के क्वेश्चंस भी करेंगे, लास्ट ईयर में जो एग्जामिनर ने लिए हुए हैं। क्वेश्चन में आपको रॉ मटेरियल देता है 25,000। नोटिंग जरूर करिएगा, WIP देता है आपको, और जब कुछ ना बोला जाए तो एवरेज। अभी नोट लिखेंगे इस क्वेश्चन के बाद। FG दे दिया, FG दे दिया आपका 24,000। FG के बाद परचेज दे दिया, परचेज दे दिया 10,000, सॉरी 1 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 150। ये मैं आपसे करवाना चाहता हूं क्वेश्चन, सेल्स सेल्स 175, डेटर डेटर 40,000, और क्रेडिटर ये भी एग्जाम में आया हुआ है 2015 में, क्रेडिटर 20,000। कहता है द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल बताना है आपने इस क्वेश्चन में। चलिए रॉ मटेरियल पहले, रॉ मटेरियल के लिए क्या होगा, 25,000 डिवाइडेड बाय, कुछ नहीं दे रखा तो परचेज, इनटू में 360 डेज। क्वेश्चन में बताया, देख लेते हैं एक बार, डेज क्वेश्चन में 360 बोला हुआ है तो 360 मान लेंगे। डब्ल्यू आप भी करें, देखते हैं तेज कौन निकालता है सबसे पहले। 16,000 एवरेज है ना ये, जब कुछ ना बोला जाए तो इसको एवरेज मानना है। WIP के लिए क्या लिखते हैं हम, कुछ नहीं देता तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू 360। इसके बाद WIP के बाद देखा जाए FG, FG 24,000 डिवाइडेड बाय, इसके लिए भी COGS इनटू में 360। इसके बाद डेटर 15 नंबर, देखो कितनी जल्दी डेटर दे रखा है 40 डिवाइडेड बाय सेल्स 175। ओ माय गॉड, इतने इजीली ये आ गया ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। माइनस में क्रेडिटर, इसे डेफरल पीरियड भी बोलते हैं, क्रेडिटर कन्वर्जन पेमेंट पीरियड भी बोला जाता है। क्रेडिटर मैं सारे वर्ड लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय परचेज ही आएगा 1 लाख इंटू में 360। देखते हैं जवाब किस किसने दिया, अभी तो मैंने देखा नहीं है। हाँ जी जवाब आ गया, आ गया और आ गया। कपिल का जवाब आया 90 डेज। ओके कपिल 90 डेज। इसके बाद 38 डेज, आप भी चेक करिए। FG का 58 डेज, डेटर का बताइए अब जल्दी जल्दी, डेटर का बताएं फटाफट से। एटी टू डेज, अब टोटल निकाल लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। टू सिक्सटी एट डेज,
20,000 डिवाइडेड बाय 10, 72 डेज। तो ये आ गया हमारा नेट ऑपरेटिंग साइकिल -268। ओहो, 260, 72, 196 डेज। ये आ गया हमारा 196 डेज। 72 जवाब दे दिया था, सेजल ने भी दे दिया है और कपिल ने भी जवाब दे दिया है, और यहाँ पे सभी बच्चों ने एनओसी भी दे दिया। वेरी वेरी गुड, कुछ बच्चों ने तो एनओसी बता दिया डायरेक्ट, वेरी गुड। तो ये 2015 में आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है जो हमने किया है, और शिवदास के 10 ईयर में क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 16। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लेंगे। कुछ बच्चों का बार बार कॉल आ रहा है आई थिंक से, नोट करिए इसको, फिर एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर ले तो बता दे, फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे। दो हजार सत्रह में आया हुआ क्वेश्चन है, सेजल ने कह दिया डन। चलिए ठीक है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया था 8 नंबर का। देखते हैं कौन बच्चा सही आंसर करके दिखाता है इसका। मैं क्वेश्चन सामने लिख रहा हूं और जो तीनों पॉइंट पूछ लिया एग्जामिनर ने इसमें, तैयार हो जाइए। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, देखते हैं सबसे तेज आंसर। जो पीरियड लेना है आपको, पीरियड जो लेना है वो लेना है 360 डेज, और एवरेज पीरियड अलाउड बाय सप्लायर, यानी जो क्रेडिटर वाला था ना हमारा, अलाउड बाय सप्लायर जो क्रेडिटर देता है मुझे टाइम, वो देता है 30 दिन, और डेटर हमें जो देता है टू डेटर, तो देखिए यहां तो दिन भी निकाल के दे दिए। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये डेज है, ये भी डेज है। ओके सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया कितने, 6 लाख। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवीजी रॉ मटेरियल दे दिया 50,000। आप निकालते जाइए साथ के साथ। एनुअल वर्क इन प्रोग्रेस दे दिया इसने, WIP 5 लाख। और एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस भी दे दिया, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस। मैं कुछ नोट लिखूंगा उसे आप फॉलो करें। इसके बाद एनुअल फिनिश गुड्स ऑफ इन्वेंट्री, एनुअल FG, जब एनुअल दे देना सारी चीजें तो यही लेना है आपने 8 लाख। और देखा जाए तो आपको एवरेज FG भी दे दिया, FG 40,000।
और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 8,40,000। रिक्वायरमेंट क्या है? पॉइंट नंबर वन, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल या नेट ऑपरेटिंग साइकिल कह लो। पॉइंट नंबर टू, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, सॉरी, एक है नेट ऑपरेटिंग साइकिल, यह है नेट ऑपरेटिंग साइकिल, एक है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। नंबर थ्री, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये तीन क्वेश्चन है, जो तीनों पॉइंट बताए थे वही तीन क्वेश्चन है। चलिए कुछ मैं नोट लिख रहा हूं, इतने आप भी सॉल्व करें और देखते हैं सबसे तेज किसका आंसर आता है। ये आपके सामने 2000 पर लिख भी देता हूँ, कब बताया था मैंने, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये CBCS के 2017 नवंबर दिसंबर जो होता है हमारा, 2017 के एग्जाम में। कुछ बच्चों को कुछ एक पॉइंट होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। रॉ मटेरियल कन्वर्जन में जो लिखा था आपने सर, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय, तो तीन चीजें आ सकती है। एक आ सकता है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा परचेज कुछ ना दे रखा हो, तो तीसरा जैसे यहां पे दे रखा, दो चीजें ही आ सकती है, परचेज इंटू 365 जो भी होता है। WIP में क्या क्या चीजें आ सकती है? एवरेज WIP तो लिखा ही था आपने, डिवाइडेड बाय आपका नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और COGS भी लिया जा सकता है। और जैसे क्वेश्चन में देखो यहां पे क्या दे रखा है, हमें WIP सीधा एनुअल दे देता है, एनुअल मोड पे WIP दे दे, तो यही ले लेंगे क्वेश्चन में दे दे, तो यहां पे और WIP एवरेज नहीं, एनुअल वाला बोले तो लेना है। अब ऐसे FG का ले लेते हैं, एवरेज FG डिवाइडेड बाय एवरेज। आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना? मैं यहां बस फॉर्मूले को थोड़ा सा और डिटेल में ले जा रहा हूं, जो मैंने बोला था नोट करूंगा। या फिर आपका एनुअल FG भी आ सकता है, एनुअल FG भी आ सकता है, ठीक है? और सेम ऐसे डेटर वगैरह का तो आपको पता ही है, और क्रेडिटर में परचेज आता है। ये दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है बस, बाकी तो सारा का सारा हमारा सिंपल है ही है। खैर ठीक है, करते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, रॉ मटेरियल कैसे निकलेगा इसका? रॉ मटेरियल 60 और एवरेज 50, 50 डिवाइडेड बाय 60, 6 लाख इंटू में 360 WIP। वेरी वेरी सिंपल। अरे आपने बोर नहीं होना, एकदम फटाफट लास्ट स्टेज पे है ये क्वेश्चन बस। डिवाइडेड बाय WIP 5 लाख, 5 लाख इंटू 360। WIP के बाद FG, FG का देखा जाए तो FG हमारा है 40,000, ऊपर एवरेज नीचे एनुअल 8 लाख इंटू में 360। डेटर जिसे रिसीवेबल पेबल डेटर का पीरियड बोल रखा है, वो तो दे ही रखा है हमें, कितना दे रखा है 45, वो लो जी लो। ये आएगा टोटल हमारा, टोटल ऑपरेटिंग साइकिल लेस कर देंगे क्रेडिटर, सर क्रेडिटर ओ लो जी लो ये भी दे रखा है। ये आ जाएगा हमारा NOC नेट ऑपरेटिंग साइकिल। देखते हैं किसी बच्चे ने जवाब दिया, कपिल ने जवाब दे दिया रॉ मटेरियल 30 है, आयशा ने तो सीधा ही जवाब दे दिया। ओ हो, सभी बच्चों ने जवाब दे दिया, वेरी वेरी गुड। देखो पेपर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ये 30, अगला हमारा 22। मुझे उम्मीद था कि आप इतनी जल्दी सॉल्व कर दोगे,
और आपने कर दिखाया है वो कारनामा, और ये टोटल आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ओ माय गॉड, इसको थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे टोटल आ जाएगा डेटर के बाद, और टोटल देखें कितना आ गया, 30, 22, 18, 115, और ये 30 days, 85। पहला आंसर डन एग्जामिनर, आपने क्या पूछा, पहला आंसर डन। सेकंड आंसर कोई बच्चा बता सकता है क्या? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, कोई तो बताओ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। सर वेरी सिंपल, 360 डिवाइडेड बाय एनओसी, नेट ऑपरेटिंग साइकिल, तो आएगा 360 डिवाइडेड बाय 85। तो सर ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 85, 4.23, 4.23, 23 रहने देते हैं, 24 भी कर सकते हो इनफैक्ट। लो जी, कपिल ने भी जवाब दे दिया और यहां से भी जवाब आ गया, 4 दिया आयशा ने। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल को ना आप पॉइंट में ही रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी 4 भी लिख सकते हैं अप्रोक्स करके। वर्किंग कैपिटल का भी जवाब आ गया, लो जी लो, वर्किंग कैपिटल थर्ड आंसर भी आ गया। थर्ड आंसर कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो देखिए ये क्वेश्चन था, आप भी सोचोगे, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो इसका जवाब मैं कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ। तो ये है 8,40,000 डिवाइडेड बाय 4.23। कुछ अलग भी आ सकता है बच्चों का, ये जिसने दिया है मुझे जवाब वो भी हो सकता है, 4.23। ये मेरा 198 आ रहा है, जिसने 4 लिखा है उसका सिंपल आ रहा होगा। तो जिस बच्चे का है ना वो लिख दें अप्रोक्स 4, तो उनका सही जवाब है बिल्कुल। मेरा जवाब आ गया यहाँ पे 190, 90, 8581, ये भी ठीक है। और जो 4 लेके करेंगे, 840 डिवाइडेड बाई 4, 2,10,000, उनका भी ठीक है। तो देखिए बहुत हौतपोच सा हो गया है थोड़ा सा, आप इसको जैसे वीडियो को देख देख के नोट कर रहे होंगे तो नोट करिए। बोल दिया नोटेड, आयशा ने भी बोल दिया नोटेड, और भी सभी वर्चुअल क्लास वाले बोल रहे हैं सर नोटेड। ओके फिर आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और 10 ईयर में अब तक जो आया है नेट ऑपरेटिंग साइकिल का, एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये आया था हमारा 2017 में ही, एक मिनट देख लेते हैं कौन सा पेपर था ये। ये आया है 2017 में ही, लेकिन सेम क्वेश्चन पूछा गया बीकॉम ऑनर्स के अंदर। तो देखिए बीकॉम ऑनर्स में भी सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखोगे आप हैरान हो जाओगे, हैरान, और बोलोगे सर ये क्या। बिल्कुल अगेन, आपके बुक का, आपके 10 ईयर का, अगेन क्वेश्चन 10 ईयर का, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, और में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन लिख लें, यस सर, लास्ट क्वेश्चन है, घबराओ मत, बस इस करने के बाद तो मान लो एक टॉपिक खत्म आधा चैप्टर। तो मैं पहले ही कह रहा था थोड़ी सी मेहनत और पूरे नंबर। कहता है यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है क्वेश्चन में 15 लाख, 15 लाख, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, टोटल परचेज। अब देखिए टोटल परचेज भी दे रखे हैं, सॉरी टोटल परचेज है पहले, एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है रॉ मटेरियल कंजम्पशन। अब देखिए परचेज भी दे दिया, परचेज दे दिया 16 लाख का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने का है? 25 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS 28 लाख। सॉल्व करना है आपने टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 30 लाख, टोटल सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स में पता है फर्क होता है प्रॉफिट का, 36 लाख सेल्स। ठीक है, अब कुछ चीजें एवरेज दी गई है, सीधा सीधा एवरेज निकाल के रॉ मटेरियल का एवरेज 2,50,000, WIP का एवरेज 1,50,000, FG का एवरेज 3,50,000, डेटर का एवरेज ये भी 3,50,000, क्रेडिटर का एवरेज ये है 2,50,000। और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है आपको दिन मानना है 360 डेज। नंबर वन नेट ऑपरेटिंग साइकिल बताइए, नंबर टू वर्किंग कैपिटल बताइए। आप जल्दी जल्दी करिए, लास्ट क्वेश्चन है, और फटाफट करके बताइए क्या आंसर आया। मैं यहां इतने लिखता हूं और आप भी करें। पहले रॉ मटेरियल का इज इक्वल टू, रॉ मटेरियल एवरेज है 2,25,000। अब ध्यान दे, परचेज और ये दोनों आ जाए तो प्रायोरिटी हमारा रॉ मटेरियल कन्वर्जन रहेगा, 15 लाख इंटू में 360। इसके बाद WIP 1,50,000 डिवाइडेड बाय WIP में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा 25 लाख इंटू में 360। WIP के बाद FG देखा जाए, FG ये रहा 350 डिवाइडेड बाय FG में होता है COGS, ये रहा 28 लाख इंटू में 360। FG के बाद डेटर, डेटर हमारा दे रखा है 350, और डिवाइड किससे करें डेटर को, परचेज सेल्स से, तो टोटल सेल्स 36 लाख 360। इसके बाद हमारा आएगा टोटल, टोटल ऑपरेटिंग साइकिल, टोटल ऑपरेटिंग साइकिल्स, और टोटल ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के बाद माइनस कर देंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिटर होगा हमारा, क्रेडिटर हमारा दे रखा है 250, 250 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, क्रेडिट परचेज यानी 16 लाख, 16 लाख इंटू में 360। लास्ट क्वेश्चन आज का, फटाफट करिए आप जवाब दीजिएगा, और फिर वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दो तरीके से मैं बताऊंगा निकालना। दो लाख, अब कौन बच्चा बताएगा यहां पे, और ये आ जाएगा हमारा नेट ऑपरेटिंग साइकिल इसको माइनस करने के बाद। बताइए फटाफट रॉ मटेरियल का कितना आया, रॉ मटेरियल का बताइए जल्दी जल्दी। थक गए हैं बच्चे, थक गए हैं, थकना मना है। आप सभी को 75 में से 75 लाने हैं, ऐसी तैयारी करेंगे 75 में से 75, 54, 150,
21.6, तो 22 मान लेते हैं। 350, 45, 350, 35 दिन टोटल आएगा, 60, 22, 45, 35। वेरी गुड, कपिल ने जवाब दे दिया। कभी कभी तो मैं सोचता हूं बच्चे इतने फास्ट कैसे जवाब दे देते हैं। इसका 56 डेज, तो 100 डेज। पहला आंसर डन। दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमें क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल वो क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय 100, जो कि आ जाएगा हमारा 3.6। 3.6, कुछ 4 भी कर सकते हैं इसको। वर्किंग कैपिटल क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट आएगा, सेल्स नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स देखो तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 3.6, जवाब आ गया 3 लाख। 30 लाख, 3.6, ओ माय गॉड, 83333, एक बार और, 3,833,333 रुपए। सर ये वर्किंग कैपिटल। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम 4 कर लें। डेफिनेटली आप 4 भी कर सकते हो राउंड फिगर में, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और 89, 3.36, शायद मेरा गलत हो गया कि ये 3.36 हंड्रेड, चेक कर लेते हैं एक बार। सेजल ने 3.6 और 3.36, चेक करते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 100, थ्री पॉइंट सिक्स है। एट थ्री थ्री आ रहा है। कपिल आपका जवाब 3.36 कैसे आया? शायद आपने यहाँ कोई टोटलिंग में एरर किया हो, एक बार चेक कर लें ठीक से। कपिल ने बोला सर 106 आएगा। ओके 106 आएगा, चेक करते हैं। 54 प्लस 22 प्लस 45 प्लस 35, नहीं कपिल मेरा तो यही आ रहा है। 162 टोटल आपने जो निकाला है कपिल, शायद उसमें मिस्टेक हो, एक बार चेक कर लो। एवरेज 2.5 लाख है, एवरेज रॉ मटेरियल 2.5 लाख है। ओ हो, एवरेज दो रॉ मटेरियल 2.5 लाख है, चेक करते हैं। हाँ जी 2.5 लाख है, ये गलत हो गया था, सब गड़बड़ हो गया। देखा आपने, मुझे ध्यान दिला दिया। तो ये आ जाएगा 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू में 360, 59, 60 डेज आ जाएगा ये। तो 60 डेज यानी 6 डे बढ़ जाएगा ये, तो 162, 162 माइनस 56, ये आ जाएगा हमारा 106, और यहाँ पे भी आ जाएगा 106। कपिल का जवाब सही निकल गया, मेरी मिस्टेक। सेजल आपने भी ठीक जवाब दिया था एक तरीके से, 3.39, और यहाँ पे भी 3.39। और जब हम 30 लाख को यानी 4 से करेंगे तो कुछ जवाब आया 88495 5, ये जवाब अप्रोक्स में आता है हमेशा, आंसर है ना, हमेशा अप्रोक्स में आता है। अब सर दूसरा तरीका क्या है वर्किंग कैपिटल निकालने का, वो भी देख लेते हैं। यहां तक तो क्वेश्चन वैसे आंसर डन हो गया, जो एग्जामिनर ने चाहा हमने दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका आप ध्यान से देखें तो जितने भी आपके पास ये सारा क्या है रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल एक दिन का, जितने टाइम का भी एवरेजली है, 10 दिन 20 दिन जो भी, रॉ मटेरियल एवरेजली, WIP एवरेजली, FG एवरेजली, क्रेडिटर, तो हम क्यों ना इन सबको जोड़ दे, तो ये हमारा एवरेजली रिक्वायरमेंट है। इसमें से इसको माइनस कर दें, क्योंकि हमारा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या सीखा है आपने,
वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी, तो ये अप्लाई कर देंगे हम यहाँ। सर ये कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। अगर मैं करंट एसेट्स निकालूं तो करंट एसेट्स में देखिए क्या क्या आएगा, ये सब तो नहीं आएगा लेकिन ये एवरेज स्टॉक है, ये स्टॉक तो स्टॉक क्लोजिंग है ये सारे, तो करंट एसेट्स ही हमारा। तो रॉ मटेरियल का करंट एसेट्स कितना है, 2,25,000। और WIP का करंट एसेट्स पिछले वाला भी कर सकते थे बिल्कुल उसमें, लेकिन सारा दे नहीं रखा था इसलिए नहीं बताया मैंने। WIP के बाद FG का क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 3,50,000। और डेटर का आप मुझसे एग्री हो या नहीं हो, आप मुझे हाँ या ना में जवाब देना। ये सारा का सारा एवरेज जो होता है ना ये स्टॉक होता है, और स्टॉक भी पता है कौन सा क्लोजिंग, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो होता है, बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक शो होता है तो इट मींस ये सारे के सारे करंट एसेट्स हैं। आप सब एग्री हो बताएं, एग्री हो आप सब इस बात से कि करंट एसेट्स हमारा ये सारा है। यस क्या निकाल दिया, TTL। ओके अब देखते हैं TTL कोई नया निकाला है, इसको देखते हैं क्या है TTL। 2.5, 150, 350 और 350, 10,75,000। मेरे से बार बार ये गलती हो रही है, 2,50,000 है और प्लस 25,000 और ये आ गया 11,00,000। 11,00,000 क्या आया हमारा, करंट एसेट्स माइनस कर दो आप क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटी जो कि क्या है हमारा, करंट लाइबिलिटी 2,50,000, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया ये लो 8,50,000, 8,50,000 वर्किंग कैपिटल आ गया हमारा 8,50,000। एग्री हो तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो करंट लाइबिलिटी हेडिंग डाल के, और करंट एसेट्स आपके सॉल्यूशन में तो देखोगे तो प्रॉपर तरीके से गिवन ही है। बाकी मेरा काम है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट वाइज मैंने जितना समझाया है वो समझ में आना चाहिए। तो आप फटाफट बताइए आज ऑपरेटिंग साइकिल की क्लास में जो समझाया समझ में आया, सभी ने जवाब भी दे दिया, डन। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वर्किंग कैपिटल, आपका जो था सेकेंड पार्ट था वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन वर्किंग कैपिटल का।